बजट में मुख्यमंत्री ने इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां कराने की घोषणा की है। हाल ही में सीएम गहलोत ने आयु सीमा में छूट का फैसला करके बेरोजगारों के मन में नौकरी की आस जगा दी है। अगले साल भी इतने ही पदों पर भर्तियां होने की आस है। सरकार यदि इसी महीने से फैसला लागू करती है तो बेरोजगारों के नौकरी के अरमान पूरे हो सकेंगे। देखिए सरकार की छूट के गणित को लेकर पत्रिका की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश के 20 लाख बेरोजगार, फिर जगी नौकरी की आस, आयु सीमा में छूट का मिलेगा लाभ, बेरोजगार 6 महीने से उठा रहे थे मांग, 8 से ज्यादा भर्तियों में मिलेगा फायदा, कार्मिक विभाग ने नहीं की गाइडलाइंस जारी, बेरोजगारों का बढ़ रहा इंतजार, फैसले को लेकर खुद उलझन में सरकार। कोरोना की वजह से ओवरएज हुए बेरोजगारों की टूटती सरकारी नौकरी की आस को मुख्यमंत्री की घोषणा ने फिर जगा दिया है। यदि सरकार रीट द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी व्याख्याता शारीरिक शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक भर्तियों में इस फैसले को लागू करती है तो प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों को आसानी से राहत मिल जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के 4 दिन के बाद भी कार्मिक विभाग कोई गाइडलाइंस जारी नहीं कर सका है। इस वजह से प्रदेश के बेरोजगारों का इंतजार और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बेरोजगारों की मांग है कि जिन भर्तियों की अभी तक परीक्षा नहीं हुई है लेकिन आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है, ऐसी भर्तियों में ओवरएज वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिए जाने के फैसले को लेकर सरकार खुद उलझन में है। सवालों में उलझी बेरोजगारों की खुशियां, किस श्रेणी को कितनी छूट, परीक्षा एजेंसियों से चर्चा के बाद ही फैसला। मुख्यमंत्री ने 2 साल की छूट देने की घोषणा तो कर दी है लेकिन बेरोजगारों की उलझन ये है कि अब किस श्रेणी के अभ्यर्थी आगामी भर्तियों के लिए किस आयु सीमा तक आवेदन कर सकेंगे। सूत्रों की माने तो इस मामले को लेकर कार्मिक विभाग की ओर से सभी परीक्षा एजेंसियों से भी इस संबंध में चर्चा की जाएगी, इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। छूट का फायदा कब से, नहीं तो कैसे करेंगे तैयारी। बेरोजगारों की दूसरी बड़ी उलझन ये है कि सीएम घोषणा का छूट का फायदा कब से मिलेगा। बेरोजगारों का कहना है कि जिन भर्तियों की अभी तक परीक्षा नहीं हुई है उनके आवेदन प्रक्रिया दोबारा से शुरू करानी चाहिए जिससे समय पर तैयारी की जा सके। बेरोजगारों की ओर से पीटीआई भर्ती में आयु सीमा में अभी से छूट देकर आवेदन प्रक्रिया दोबारा से शुरू कराए जाने की मांग भी उठाई जा रही है। पदों में और बढ़ोतरी, नहीं तो और कड़ी टक्कर। चिकित्सा विभाग की भर्तियों को छोड़कर ज्यादातर विभागों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार को वर्तमान रिक्त पदों के हिसाब से सभी भर्तियों में पदों की बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अगर पदों में बढ़ोतरी नहीं होती है तो नौकरी के लिए टक्कर बढ़ना तय है। चुनौती, तो फिर कैसे होगी समय पर परीक्षाएं। बेरोजगारों की ओर से भले ही पिछली भर्तियों में इस छूट को लागू करने की मांग की जा रही हो लेकिन इस फैसले की राह में भर्ती एजेंसियों के सामने कई चुनौतियां हैं क्योंकि इससे भर्तियों का कैलेंडर बिगड़ सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से आगामी भर्तियों में ही इस फॉर्मूले को लागू किया जा सकता है। फायदे नुकसान का गणित, बेरोजगार तैयारी का मौका। सरकार की घोषणा से सीधे तौर पर प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा ओवरएज युवाओं को तैयारी का मौका और मिल सकेगा। सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को शिक्षक भर्तियों में मिलने की आस है। इसके अलावा आगामी समय में LDC, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक के अलावा अन्य भर्तियां भी प्रस्तावित हैं। सरकार यूथ वोट बैंक पर नजर, भरेगी तिजोरी। सरकार ने अगले बजट को युवाओं पर फोकस करते हुए बनाने की घोषणा भी की है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस युवा वोट बैंक पर ही है। सरकार ने आयु सीमा में छूट देकर युवा वोट बैंक पर पकड़ और मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं 20 लाख से ज्यादा नए दावेदार आने से परीक्षा एजेंसियों की तिजोरी और ज्यादा भर सकेगी। कोरोना की वजह से प्रदेश के हजारों युवा ओवरएज हो चुके हैं। ऐसे युवाओं की ओर से लगातार आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की जा रही थी।
राज्य सरकार ने युवाओं के हित में फैसला ले लिया है। इससे प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा युवाओं को दोबारा से भर्ती प्रक्रिया में तैयारी करने का मौका मिल सकेगा। सरकार को अब जल्द ही गाइडलाइंस जारी कर देनी चाहिए, जिससे कि युवा अभी से तैयारी में जुट जाए। कोरोना काल के बाद बेरोजगारों की इस बात को लेकर आज जगी है कि सरकार अब ओवरएज हो चुके बेरोजगारों को फिर से नौकरी देने की प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के करीब 20 लाख युवाओं की, जो सरकार के एक निर्णय पर टिकटिकी लगाए बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे हम अजय शर्मा जी से। अजय जी, बताएं किस तरह का निर्णय होने वाला है ताकि लाखों बेरोजगारों को रोजगार की आस रहेगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बूंदी की सभा में एक ऐलान किया कि राजस्थान के जो युवा ओवरएज हो चुके हैं, कोरोना काल की वजह से हम भर्तियां नहीं निकाल पाए, उन युवाओं के लिए हम 2 वर्ष की आयु सीमा में छूट देंगे ताकि वह आगामी भर्तियों में आवेदन कर सके। लेकिन युवाओं की अभी फिलहाल उलझन यह है कि भर्तियां बहुत सारी 1 लाख के करीब प्रक्रियाधीन है। राजस्थान सरकार इन भर्तियों में इन युवाओं को मौका देगी, जो या अगले साल जो भर्तियां होने वाली हैं उसमें मौका देगी। फिलहाल युवाओं को कार्मिक विभाग के फैसले का इंतजार है। जी, कार्मिक विभाग के फैसले का इंतजार है, लेकिन कितने तरह की नौकरियां निकलेंगी जो युवाओं के लिए बेहतर साबित होंगी? इस साल सबसे बड़ी जो परीक्षा होने वाली है वो LDC की होने वाली है। इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, ये भर्तियां इनकी विज्ञप्तियां इस महीने में या अगले महीने में जारी होने वाली हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड 46,000 पदों के लिए, 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती 1st ग्रेड के आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है। युवाओं को अभी फिलहाल सरकार के फैसले पर निगाहें टिकी हुई हैं कि सरकार पुरानी भर्तियों में उनको शामिल करती है या जो नई भर्तियां आएंगी उनमें शामिल करेगी। जी बिल्कुल, अजय जी ने बताया कि सरकार के एक फैसले पर युवाओं की निगाहें हैं। बहरहाल, अगर कार्मिक विभाग आदेश जारी करता है तो मुख्यमंत्री की घोषणा का असर भी जल्द ही दिखाई दे सकता है। कैमरामैन सचिन माथुर के साथ विनोद सिंह चौहान। तो देखा आपने कैसे सरकार ने बेरोजगारों के मन में आस तो जगा दी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब कार्मिक विभाग गाइडलाइंस जारी करके बेरोजगारों की आस को पूरा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।